Hello everybody, welcome once again in my channel. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of narration. So guys, the previous last video and lectures I have discussed each and every point illustratively one by one. I have taken one by one topic and I have discussed illustratively each and every topic of the narration. So guys, but today the special discussion in this video is that I have put all the narration in a one lecture and one reference. I hope that you will be like this video and hope that you will be get proper command on the narration. So guys, come to the point. Our discussion is about the topic of narration. So guys, simply आप देख लीजिए कि narration क्या होता है guys, how you can narrate. अगर आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट आप कुछ, मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको गाइस जब हम, ये डायरेक्ट स्पीच है जब आप इसको, तो यहाँ पे बनेगा ही वाज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था. गाइस आप इसी मेरी बात को किसी और तक पहुँचाओगे, दैट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. सो गाइस, टुडेज आवर डिस्कशन इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ नरेशन. सो गाइस, सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है कि नरेशन का मतलब होता है गाइस बयान करना. क्या होता है गाइस? स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सिंपली जो नरेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है नरेट करना. हाउ यू कैन नरेट, किस तरह से आप बयान करते हैं, कोई भी स्टोरी होगी या कोई टॉपिक होगा या कोई भी इस तरह का एसे होगा, किस तरह से आप उस बात को बयान करते हैं. सो गाइज, वी स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अंडर नरेशन. तो नरेशन में हम गाइज क्या पढ़ते हैं? हम नरेशन में गाइज पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को. अब गाइज, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है गाइज? इफ़ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, द सेंटेंस सेड टू बी इन ए डायरेक्ट स्पीच. जैसे मैं आपको गाइज, हम डिस्कशन कर रहे हैं नरेशन के बारे में और मैं डायरेक्टली एज ए स्पीकर इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम जस्ट लाइक एज ए स्पीकर. सो गाइज, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. सो गाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. यहाँ पे गाइज है राम से आई वर्क हार्ड. ये गाइज क्या है? ये है गाइज आपका डायरेक्ट स्पीच. क्या है ये गाइज? राम से आई वर्क हार्ड, या मैं कहूँगा आई से आई वर्क हार्ड. दिस इज़ दी डायरेक्ट स्पीच. सो गाइज, उसके बाद आप देख लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा इसका. इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ द सेंटेंस स्पोकन बाई द स्पीकर इज चेंज बाई द नरेटर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. तो इसको गाइज हम क्या कहते हैं? इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. सिंपली गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में मैंने कहा था राम से, राम कहता है आई वर्क हार्ड, मैं क्या करता हूँ, मैं सख्त काम करता हूँ. लेकिन गाइज उसी को हमने, उस डायरेक्ट स्पीच को आप यहाँ पे देख लीजिए, ही सेज़ आई वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच था. ही सेज़ दैट ही वर्क्स हार्ड. तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स होते हैं, यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं गाइज, उनको हम चेंज नहीं करते हैं. उसके बाद आप गाइज देख लीजिए, सबसे जो अहम बात नरेशन में है वो है सन फार्मूला का. सन फार्मूला को समझने की बात है कि गाइज हाउ वी कैन चेंज द प्रोनाउन. जैसे गाइज एस फर क्या होता है गाइज? एस फर होता है सब्जेक्ट, ओ फर होता है ऑब्जेक्ट, एंड एन फर होता है गाइज नो चेंज. तो सब्जेक्ट में गाइज कौन कौन सा आएंगे? फर्स्ट पर्सन आएगा आई और वी, और ऑब्जेक्ट में गाइज आपका यू होगा, और नो चेंज में गाइज आपको थर्ड पर्सन आएगा, ही शी इट आएगा. अब गाइज यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे गाइज आप यहाँ पे देख लीजिए, एस फर होता है सब्जेक्ट जिसमें हमारा आई और वी आएगा. सो गाइज यहाँ पे आप समझ लीजिए, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज स्टार्टेड विद द फर्स्ट पर्सन दैट इज़ आई वी, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी सी द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड, आर वी कैन चेंज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सो गाइज सन का फार्मूला जो है वो है एस पर क्या होता है सब्जेक्ट, तो उसमें फर्स्ट पर्सन आएगा. तो यहाँ पर ये बात होती है कि जब गाइज ये आपका यहाँ पे जो गाइज है ये है रिपोर्टिंग वर्ब और गाइज ये है रिपोर्टिंग स्पीच. हम इस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर वो आई या वी से गाइस स्टार्ट होगा, स्टूडेंट स्टार्ट होगा, फ्रेंड्स आई या वी से ये रिपोर्टिंग स्पीच जो स्टार्ट होगी, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी सी
द ऑब्जेक्ट ऑफ द, वी सी द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये इस सब्जेक्ट को हम गाइज देखते हैं, जैसे गाइज यहाँ पे ही होगा तो यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे दे होगा यहाँ पे दे आएगा, यहाँ पे आई होगा यहाँ पे आई होगा। तो सो गाइज कि जब जब सब्जेक्ट जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो अगर वो गाइज स्टार्ट है आई और वी से, तो देन वाइल गोइंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वी सी द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए गाइज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच है। तो यहाँ पे ही सेड रिमेन सेम दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे है ओ फॉर, क्या होता है गाइज, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारा सेकंड पर्सन यू गाइज आता है। आप देख लीजिए इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विद द सेकंड पर्सन दैट इज़ यू, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और वी कैन चेंज रिपोर्टिंग स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। गाइज यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये जो रूल हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ा, फ्रेंड्स पढ़ा, ये क्या हमने पढ़ा कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये यू से स्टार्ट है, तो तब आपको क्या करना है, आपको गाइज क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इस वाले यहाँ पे मी जो है इसको देखना है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा गाइज आई में, क्योंकि गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस विल बी चेंज इनटू द सब्जेक्टिव केस वाइल वी मेक द सेंटेंस वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द नरेशन आर सिंपली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो सेकेंड पर्सन गाइज आपको होगा, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो यू से स्टार्ट होगा, देन वाइल गोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपली गाइज आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए ही टोल्ड, ये सेड टू जो गाइज है ये टोल्ड में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन दैट एंड आई वॉज इल, क्योंकि गाइज इस आई की जगह आई, ये मी की जगह गाइज आई बना। गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो गाइज है स्टूडेंट्स, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट है यू से, फिर आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना है। ये मी है गाइज, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अस होगा वी में चेंज होगा, यहाँ पे देम होगा दे में चेंज होगा, यहाँ पे गाइज हर होगा तो यहाँ पे शी में चेंज होगा, यहाँ पे हिम होगा तो ही में चेंज होगा। और लास्ट वन इज गाइज यूर सन फार्मूला, आप देख लीजिए एन फॉर होता है गाइज no change if the reporting speech is started with the third person that is he she it they से start होगा, then while going direct to indirect speech there will be no change। example से आपको का clear होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए यह है आपका reporting verb, यह है reporting speech, he said to me he goes to school, तो guys यहाँ पर आएगा he told me that he gone to school, क्योंकि guys इसमें प्रेजेंट जो गाइज है वो किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और गाइज ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। आप गाइज देख लीजिए यहाँ पे एक और रूल आपको है, हाउ वी कैन चेंज द टेंस। सो गाइज देख लीजिए, जब भी कोई डिस्कशन हमको करनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, हमको उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाननी है, हमको उसके रूल को जानना है, दैट हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द नरेशन, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, आर यू कैन से जो भी आपको बनाना है। तो यहाँ पे चेंज इन सेंटेंस कैसे आएगा गाइज, सिंपली आपने एक पॉइंट मेरे यहाँ पर याद रखना है कि जो सिंपल है गाइज, जो गाइज प्रेजेंट टेंस जो गाइज हैं वो आपका डायरेक्टली पास्ट में, अपोजिट पास्ट में चेंज होगा। सिंपली गाइज वंस अगेन I will repeat this point, जो गाइज आपका प्रेजेंट टेंस जो गाइज आपका होगा वो आपका पास्ट में चेंज होगा, लेकिन अपोजिट ऑफ पास्ट। सिंपली यहां पर आप देख लीजिए, जैसे गाइज सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो आपका होगा पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा पास्ट कंटिन्यूस में गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट होगा गाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल गाइज आपको होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट गाइज आपको जो होगा वो होगा चेंज यहाँ पे पास्ट परफेक्ट मैं ही, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का गाइज पास्ट परफेक्ट ही बनता है। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए जो पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और जो गाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल से गाइज आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने ये एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए यहाँ पर है गाइज, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से गाइज देख लीजिए, ये आपके सामने है एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख लीजिए ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जम्मू। अब यहाँ पर गाइज क्या है, ही सेड टू मी ये टोल्ड में
चेंज होगा, ही टोल्ड मी इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा। इस कामा और इन्वर्टेड की जगह हम गाइस क्या लगाते हैं, स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, दैट का इस्तेमाल हम करते हैं, दैट ही वॉज गोइंग टू जम्मू। क्योंकि गाइज ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो गाइज था, स्टूडेंट्स था, ये क्या है, इसको आपने क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था और आपने इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। सो गाइज अब उसके बाद आप देख लीजिए मॉडल्स, मॉडल्स जो गाइज हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे फ्यूचर जो आपका है, फ्यूचर विल बी चेंज इन टू द फ्यूचर पास्ट। वट डज इट मीन, तो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज़ अ टेबल, यू विल बी फाइंड आउट हेयर दैट वट डज द फ्यूचर मीन्स, क्यों फ्यूचर पास्ट क्यों होता है। अब यहाँ पे शेल का गाइज क्या होगा, शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, विल का वुड होगा। एग्जाम्पल से गाइज आपको क्लियर होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ही सेड ही विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे विल था गाइज, क्या है गाइज यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया ये वुड में चेंज होगा, बाकी अकॉर्डिंग टू द जो सेड है रिमेन सेम, ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल, बाकी गाइज इसी तरह से चेंज होगा। अब यहाँ पे गाइज ये रूल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टाइम एंड प्लेस द थिंग्स विच शोज नियरनेस एंड फारनेस। वो चीज़ें गाइज जिनके आप अपोजिट लिखते हो, जैसे गाइज टूडे आएगा दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टू नाइट That night, last the previous आएगा, here का guys opposite आएगा there, उसके बाद guys यहाँ पे आप देख लीजिए this का guys क्या आएगा, that आएगा, these का आएगा guys those का क्या आएगा guys those आएगा, ago का before आएगा, now का then आएगा। example से guys clear होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, he said I cannot help you at this time। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, ही सेड, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे दिस था गाइज, इस सेंटेंस को मैं समझाने की कोशिश, यहाँ पे दिस था, ये दैट में चेंज हो गया, बाकी अकॉर्डिंग टू द रूल हो गया। ही सेड दैट ही कुड, कैन का मैंने अभी आपको गाइज अब वो बताया कि कैन का कुड बन जाएगा, नॉट हेल्प यू, ये बनेगा हेल्प मी एट दैट टाइम। सो गाइज आप देख लीजिए, नरेशन में हमको डिस्कशन करने होते हैं फाइव टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, कितने करने होते हैं गाइज, फाइव टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, जिसमें आपको एसरेटिव सेंटेंस आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा गाइज, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आएगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा। सो गाइज सो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस वन बाई वन इलस्ट्रेटली, तो आप गाइज देख लीजिए, हम जो है आज डिस्कशन कर रहे हैं नरेशन के बारे में, और गाइज आप देख लीजिए सबसे पहला जो सेंटेंस है एसरेटिव सेंटेंस में आप कैसे चेंज करेंगे। सो गाइज ये जो मैंने टेबल बनाया है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे, लर्न करेंगे, डेफिनेटली गाइज आई प्रोमिस्ड यू दैट एंड ऑनेस्टली आई विल से दैट यू विल बी होल्ड प्रॉपरली ऑन द टॉपिक ऑफ द नरेशन। सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं एसरेटिव सेंटेंस के बारे में, अब देख लीजिए गाइज एसरेटिव में सैड जो है रिमेन सेम, अगर गाइज सिर्फ आपको होगा ही सैड, ही सैड, दे सैड, यू सैड, वी सैड होगा गाइज, तो सैड रिमेन सैड ही रहेगा, और सैड टू जो गाइज है वो सेड टू मी हो जाएगा, टोल्ड मी में चेंज, सेज आपको गाइज सेज में ही चेंज होगा, सेज टू आपको टेल्स में चेंज होगा। हम गाइज कर रहे हैं किसकी बात, एसरेटिव सेंटेंस की, आपको सिंपली याद रखना है सेड रिमेन सेम सेड, सेड टू टोल्ड मी में, सेज सेज, सेज टू आपको टेल्स में। और गाइज यहाँ पे आपको याद रखना है वी यूज हेयर कंजक्शन दैट, यहाँ पे आप देख लीजिए इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा गाइज एंड स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स वी यूज कंजक्शन दैट, इन फ्रंट ऑफ द कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह, अब टेंस एंड प्रोनोन अकॉर्डिंग टू द रूल चेंज होगा। अब गाइज एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ही सेज टू मी, यू वर्क हार्ड, ही टेल्स मी, मैंने अभी आपको गाइज बताया कि सेज टू जो है वो टेल्स में चेंज होगा, ही टेल्स मी that in front of the comma and inverted comma we use conjunction that I work hard। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, he said to me I am going to जम्मू, he told me that I was going to जम्मू, क्योंकि गाइज यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन दैट, और गाइज सेट टू जो है मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि सेट टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा। उसके बाद आप ये नोट, ये पॉइंट याद रखना, टू इज नॉट यूज आफ्टर टेल, आप किसी को भी ये नहीं कहोगे आई टेल यू, नो गाइज दिस इज द रॉन्ग वर्ड वी यूज देयर, हमेशा हम कहते हैं किसी भी जब आई टेल यू, आई टेल यू तो इस तरह हम कहते हैं, लेकिन ये टेल टू नहीं आएगा और टेल टोल्ड गाइज नहीं आएगा। एन ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर टेल एंड टोल्ड इन दी
इन दी और गाइज क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मी होगा, अस होगा, हिम होगा, हर होगा, गाइज देम होगा, ये आपको टेल और टोल्ड से पहले आता है. इन द सेम वे ये ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, फॉरवर्ड है, विल बी फॉलोड बाई द ऑब्जेक्ट के बाद. जैसे गाइज आपको मी है, अस है, देम है वगैरह, गाइज आपको आपको आपके पास है. अब यहाँ पे नोट लिख लीजिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर गाइज आपको, इसको हम कहते हैं गाइज रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच. अगर स्टूडेंट्स आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये स्टार्ट अगर है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज स्टार्टेड विद प्रेजेंट. अब देखो यहाँ पे लिखा है गाइज स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये आपका प्रेजेंट से स्टार्ट है, अगर ये फ्यूचर से स्टार्ट होगा, दोनों में से एक से स्टार्ट होगा, देयर विल बी नो चेंज. एग्जाम्पल से चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सिंपली आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, एस्पिरेंट्स देख लीजिए, फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ही सेज, ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है. ही सेज आई कम हियर, तो इसका बाय गाइज क्या बनेगा, ही सेज इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा, वी यूज कंजक्शन दैट ही कम्स हियर. उसके बाद गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे दूसरा नोट जो है असर्टिव सेंटेंस में, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट, ये आपका गाइज क्या हो गया, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. और गाइज ये स्टूडेंट्स ये वाला क्या है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच है. कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट है, एंड द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, और जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाला पोर्शन जो है ये हकीकत पे बेस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फ्रेज है, आइटम्स है, हैबिचुअल एक्शन है, और गाइज हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसमें है. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच डज नॉट चेंज. एग्जाम्पल से आपको गाइज क्लियर होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड द सन इज ए स्टार. अगर गाइज सिंपली मैं आपको बता, तो आप इसको बताओगे ही सेड दैट द सन वाज, तो सन तो अभी प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी था, तो जो चीज़ मतलब यूनिवर्सल है गाइज, जो ख़त्म ना होने वाली है, जो हकीकत पे बेस है, वहाँ उसको हम उस टेंस को चेंज नहीं करते हैं. सिंपली गाइज ही सेड, ऊपर मैंने आपको बताया said remains same, or in front of the comma and inverted comma we use conjunction that, or guys the sun is a star, ye bhi change nahi ho gaya. Uske baad यहाँ पे लास्ट वन रूल ऑफ द असर्टिव सेंटेंस गाइज क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन ए पास्ट, क्या होगा गाइज, आपका ये वाला पोर्शन जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट होगा, एंड द रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट एन आइटम फ्रेज एटसेट्रा, द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन. तो ये आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच है गाइज, अगर ये आपका ये जो है किसी फ्रेज से या हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे ये चीज़ बेस्ड नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे. ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, ही सेड दैट ही कम दियर द प्रीवियस डे, क्योंकि गाइज अभी मैंने आपको बताया कि द थिंग्स वी शोज नियरनेस एंड फारनेस, यस्टरडे क्या आएगा प्रीवियस डे, और टुमारो को आएगा द नेक्स्ट डे, दैट का आएगा दिस, हियर का आएगा दियर, नाउ का आएगा गाइज देन. अब यहाँ पर आप देख लीजिए गाइज कि उसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक है नरेशन में वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो गाइज सबसे पहले इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन, आपको पता है कि हम डब्ल्यू एच वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से हम गाइज क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. रूल फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंस टू बी कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच. अब यहां पर आप देख लीजिए सैड जो है गाइज सिंपली वो आस्क्ड क्वेश्चन आई क्यूरिड आर द इंटरोगेटिव में चेंज होगा. लेकिन आई सजेस्ट यू गाइज दैट यू रिमेंबर ओनली वन थिंग दैट यू विल फाउंड यूअर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विद द डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, या आपको गाइज किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर से, वाज वर्ब से, डू डिड डज से, हैव हैड से स्टार्ट होगा, तो गाइज आपने वहां पे आस्किड का इस्तेमाल करना है. सैड की जगह आप इस्तेमाल करोगे आस्किड. और उसके बाद जो गाइज आपका क्वेश्चन मार्क है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको गाइज स्टूडेंट्स आपको क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है. जैसे मैं आपको क्वेश्चन सिंपली आपको यहाँ पे ऑरली बताता हूँ, एम आई गोइंग टू जम्मू, ये क्वेश्चन है, तो इसको आपने गाइज बताना है आई वाज गोइंग टू जम्मू. जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि आपने इसको असर्टिव बनाना है, फुल स्टॉप लगाना है. उसके बाद आप देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव, जो क्वेश्चन होता है गाइस, क्वेश्चन का जो है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है. टेंस एंड द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नोट गाइस यहाँ पे देख लीजिए,
इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो कंजक्शन दैट इफ या वेदर यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं। अगर गाइज दूसरा रूल देख लीजिए, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से यानी कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिगन व्हाट आर यू डूइंग, अगर गाइज इससे डब्ल्यू एच वर्ड से हाउ से विच से वियर से होम से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपने कोई भी कंजक्शन नहीं लगाना है। प्लीज गाइज नोटिस हियर and be attentionally, you will be attentionally, please cooperate here and be attention here, that's why because this rule is very essential। agar guys aapka helping verb se is am are se was were se can could shall should will से start होगा तो guys आपने वहाँ पर if या whether का इस्तेमाल करना है। अगर आपका reporting speech जो guys डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपने कोई भी कंजक्शन वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने हैं। यहाँ पर आप गाइज देख लीजिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा, he said to me, do you know me, अब यहाँ पर देख लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर आपने इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। she said to him, she said, सॉरी गाइज यहाँ पे ऊपर आपका है ही आस्किड मी इफ आई न्यू हिम, अब आपने इसको इस वाले सेंटेंस को गाइज स्टूडेंट्स आपने क्या बनाया एसरेटिव बनाया, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था इसको गाइज आपने पास्ट इंडेफिनेट में डाला, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा यू हैव यूज्ड हियर गाइज, हमने यहाँ पे वी हैव यूज्ड हियर गाइज इफ हमने यहाँ पे लगाया, और इन फ्रंट ऑफ द सैड टू यानी कि गाइज जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड होता है उसको हम आस्किड में चेंज करते हैं। सेकंड एग्जांपल आप गाइज यहाँ पे देख लीजिए, शी सैड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो शी आस्किड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन, यहाँ पे गाइज नाउ था तो आपने हमने देन लगाया क्योंकि द थिंग्स विच शोज नियरनेस एंड फॉरनेस वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सो गाइज उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे अब आपके पास है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले जब भी हम गाइस नरेशन की बात करेंगे यू हैव नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ द टेंस आर द सेंटेंस इज, देन यू शुड चेंज अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग द रूल ऑफ द ग्रामर दैट व्हाट काइंड ऑफ द रूल देयर वी नीड। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे सेड टू जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में ये आपका गाइस हो जाएगा चेंज स्टूडेंट से हो जाएगा चेंज ऑर्डर्ड में रेस्पेक्टेड में फॉरवर्ड में और सजेस्टेड में चेंज होगा। जब हम गाइज स्टूडेंट्स बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पे आपने सिंपली याद रखना है जो स्टूडेंट्स आपको सेड टू है ये आपको चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में रेस्पेक्टेड में फॉरवर्ड में और सजेस्ट में, और कंजक्शन टू का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन टू का इस्तेमाल करते हैं यूज इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज स्टूडेंट्स कंजक्शन टू और टू इज़ फॉलोड बाई वी वन, जैसे वर्ब की टू कम टू अवे टू गो टू प्ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और टेंस एंड प्रोनोन अकॉर्डिंग टू दी रूल्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए ही सेड टू मी गो अवे, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया ये ऑर्डर्ड में कमांड में चेंज होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए ही सेड टू मी वो एज ए ऑर्डर मुझे कर रहा है ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इससे पहले आपने टू लगाया, ही सेड टू मी, दूसरी एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स देख लीजिए डोंट कम हियर यानी कि मना कर रहा है, तो इंग्लिश में होता है गाइज स्टूडेंट जो फॉरबेड के इसका मतलब होता है मना, ही फॉरबेड मी टू कम डियर या ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर। सो गाइज ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सिंपल गाइज आप देख लीजिए द सम एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, मान लो आप कहीं जा रहे हैं आपने अचानक एक बहुत बड़ा स्नेक को देखा, यू फील दैट देयर ओह डेंजरस, आप करते हो ओह ओह हाउ लार्ज द स्नेक केस, इस तरह आप बात कहोगे, या आप कहीं जा रहे हैं आपने ब्यूटीफुल एक बिल्डिंग देखी आप कहोगे सडनली यू फील दैट व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इज व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज़, सो इस तरह से आप इसको बयान करेंगे। तो व्हेन यू फील सम
सर व्हेन यू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स सर यू हैव नो एनी प्रोग्राम दैट आई विल बी एक्सप्रेस लाइक सच वर्ड्स बट सडनली यू एक्सप्रेस दीज वर्ड्स सो दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो आप स्टूडेंट सिंपली आप देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है जो अचानक आपके आप जाहिर करते हो कोई बात खुदा हाफिज़ आपके मेहमान जा रहे हैं खुदा हाफिज़ या आप कहोगे कितना खूबसूरत है कहीं पर कुछ हादसा आप करते हो हाई हाई और वो वही की बात क्या आप वहाँ पर एक्सप्लेन करते हो तो सो गाइज उन्हीं चीज़ को यहाँ पे आप क्या करते हो इस्तेमाल जब कोई नुकसान होता है हम अलास का सैड अलास का करते हैं जब हम कोई बाजी जीतते हैं हम मैच वगैरह जीतते हैं इस तरह की कोई बाजी उसके हम कहते हैं हुर्रे. उसके बाद सैड फी एंड हक है उसको हम किस तरह चेंज करेंगे सैड वो है तो किस तरह चेंज करेंगे सैड ओ है तो किस तरह चेंज करेंगे. तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख लीजिए सैड अलास अगर है तो वो आपको हो जाएगा चेंज एक्सक्लेम्ड विद सारो में और सैड हुर्रे अगर है एक्सक्लेम्ड जॉय में चेंज होगा सैड फी आह अगर है एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज और डिस्कस्ट में चेंज होगा सैड वो अगर गाइज है तो ये आपका चेंज होगा सिंपली गाइज एक्सक्लेम विद जॉय और सैड ओह अगर है एक्सक्लेम विद द सरप्राइज. सिंपली गाइज आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर जो सेंटेंस जिसमें दुख वगैरह जाहिर किया गया होगा जिसमें कोई हादसा जाहिर किया होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो से आपने एक्सप्रेस करना है. अगर वहाँ पे खुशी होगी तो एक्सक्लेम विद जॉय से आपको क्या करना है गाइज स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है. अब यहाँ पे देख लीजिए नोट यहाँ पे हम गाइज कंजक्शन दैट I will replace तो in front of the comma and inverted comma we use conjunction that. Example से students आपका clear होगा she said hurray we have won this match. अब देखो ये जो this है guys this word shows us nearness of the सिचुएशन और उसके बाद ये वाला जो गाइज है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको आपने कैसे चेंज कर और ये हुर्रे है दिस शोज ये जो फीलिंग्स कर रहा है ये इन्जॉय की ये जॉय की फीलिंग्स कर रहा है. आप देख लीजिए सी यहाँ पे किस तरह इसका आंसर आएगा शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वोन दैट मैच. अब यहाँ दिस की जगह दैट लगाया और प्रेजेंट परफेक्ट की जगह हमने पास्ट परफेक्ट लगाया और बाकी एक्सक्लेम विद जॉय. सेकेंड एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे देख लीजिए सी सेड What a pleasant surprise! She exclaimed that it was a pleasant surprise. So, guys, last one is guys our that is optative sentence. So, guys, said इसमें भी आपने वही रखना है सैड टू चेंज आपको विस्ट में और प्रेड में चेंज होगा कंजक्शन दैट इज़ यूज टेंस एंड प्रोनोन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल. एग्जांपल से स्टूडेंट क्लियर होगा शी सैड मे गॉड ब्लेस हिम तो यहाँ पे आएगा शी प्रेज्ड. तो यहाँ पे क्या होता है गाइज आप किसी को प्रेज्ड करते हो आप किसी के लिए दुआ करते हो तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम गाइज क्या करते हैं सैड टू को चेंज करते हैं विस्ट में और प्रेड में और कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं और प्रोनोन और टेंस जो है अकॉर्डिंग टू द रूल हम चेंज करते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल से गाइज आपको क्लियर होगा दे सेड लॉन्ग लिव द किंग दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग. सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आज टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ द नरेशन एंड कंसाइजली एंड ब्रीफली आई हैव डिस्कस विद यू ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज विच वी फाउंड इन द नरेशन. एंड गाइज मैंने आपको बता दिया सिंपली आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल करेंगे ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा बिगन आई एम गोइंग टू जम्मू तो यहाँ पे आएगा गाइज ही सैड रहेगा रिमेन सेम ये टू सेंटेंस है तो यहाँ पे आई की जगह गाइज आपको ही आएगा ही वॉज गोइंग टू जम्मू. अब स्टूडेंट्स आप दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए हम इंटरोगेटिव की करेंगे ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा बिगन व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं तो ये डब्ल्यू एच बोर्ड से स्टार्ट है ही सैड ही आस्क्ड व्हाट यू जो है गाइज आपका चेंज हो जाएगा ही यहाँ पे किस में होगा व्हाट आर यू डूइंग ये हमने ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करना है तो यहाँ पे आप मी ले लीजिए तो इसको गाइज आएगा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग ही सेड ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है गाइज थोड़ा सा आसान से हमने ले लिया तो उसके बाद आप देख लीजिए दूसरी एग्जांपल आप स्टूडेंट्स देख लीजिए जैसे मैं आपको इसके क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी की बताएंगे तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी में देख लीजिए जैसे मैं आपको कहूँगा ही सैड अलास
अलास आई हैव लास्ट द मैच, और आई हैव लास्ट द मैच। अब यहाँ पे क्या आप स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट दे हैड लास्ट लास्ट द मैच। उसके बाद आप ऑप्टेटिव भी एग्जांपल आप देख लीजिए गाइज, और उसके बाद इंपेरेटिव भी एग्जांपल आप देख लीजिए गाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन मतलब काफ़ी मुफीद रहा होगा, और आपको इस डिस्कशन से काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। इन द एंड मैं आपको गाइज यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस डिस्कशन। दैट्स वाई बिकॉज इन फ्यूचर आई विल मेक लाइक सच वीडियोज़ फॉर यू। इन द एंड आई हार्टली थैंक यू वेरी मच।